हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए पठन अभियान के तहत मैथ्स की क्लास वन की वर्कशीट नंबर 33, जो कि 25 फरवरी 2022 की वर्कशीट है और इसका थीम है बच्चों फ्लावर्स। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। फूलों की बहार। बसंत पंचमी की सुबह सिम्मी जब उठी तब उसने पाया कि सारा घर फूलों की खुशबू से महक रहा था। पिताजी बाजार में बेचने के लिए रंग बिरंगे फूल लाए थे। आंगन में दादी और माँ गुलाब, सूरजमुखी, कमल और गेंदे के फूलों को टोकरियों में रख रही थीं। सिम्मी भी फूलों को गिनकर टोकरियों में रखने लग गई। माँ और दादी के पास गुलाब के तीन तीन फूल थे जो सिम्मी ने टोकरी में सजाए। तब टोकरी में गुलाब के 6 फूल हो गए थे। देखिए, मम्मी के पास 3 फूल हैं, दादी के पास 3 फूल हैं। अब टोकरी में कुल कितने फूल हो गए? 3 जमा 3 यानी कि 6 फूल हो गए। अब आगे अगर हम बात करें कि उसके बाद पिताजी ने कहा, आओ सिम्मी, गेंदे के फूलों को गिनकर टोकरी में रखें। पहले थे 2 फूल और इन्होंने 5 फूल और रख दिए, तो कुल मिलाकर कितने फूल हो गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल मिलाकर फूल हो गए 7। इसका मतलब आप यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे 2 जमा में 5 बराबर में 7। ठीक है। फिर दादी बोली, सिम्मी अब मैं तुम्हें कुछ फूल दूंगी, क्या तुम इन फूलों की संख्या जोड़कर बताओगी? तब सिमी दादी द्वारा दिए गए फूलों को जोड़ने में लग गई। और बच्चों, आप भी नीचे दिए गए फूलों की संख्या को जोड़कर लिखिए। तो देखिए, यहाँ पे हमें फूल दे रखे हैं 5 कमल के फूल और यहाँ 3 कमल के फूल। तो हमारे पास कितने हो गए? 5 जमा 3 यानी कि 8 कमल के फूल। यहाँ पे 6 चंपा के फूल हैं और यहाँ पे 2 चंपा के फूल हैं। दोनों को जोड़ देते हैं तो फिर से आ जाएंगे 8 चंपा के फूल। यहाँ है 8 चमेली के फूल और 1 चमेली के फूल, तो 8 और 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 9 चमेली के फूल। यहाँ है 4 मोतियों के फूल और यहाँ 5 मोतियों के फूल, तो 4 और 5 अगर दोनों को जोड़ते हैं तो उत्तर आ जाएगा 9 मोतिया के फूल। बच्चों, अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों से आसपास पाए जाने वाले फूलों के नाम व उनके रंग पर बातचीत कीजिए। तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।